हेलो दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग HTML के बारे में सीखेंगे कि HTML क्या होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों HTML की इंट्रोडक्शन। HTML दोस्तों एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। हर कंपनी की खुद की एक वेबसाइट होती है। ठीक है, किसी स्कूल की, कॉलेज की, हर एक की अपनी खुद की एक वेबसाइट होती है। जो इसी तरह की सारी वेबसाइट्स हैं जो इस मतलब लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन ही करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। HTML इज़ ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। जो HTML लैंग्वेज हो वो है एक मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, जो कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। HTML प्रोवाइड ए वे ऑफ डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस। जो HTML है वो क्या है, वेब पेज को प्रोवाइड कराती है एक डिस्प्ले करने का तरीका विद टेक्स्ट, इमेजेस और मल्टीमीडिया कंटेंट्स को। ठीक है, HTML इज़ ए नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट जो HTML है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। द मार्कअप टैग्स मीन्स इसमें टैग्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, द मार्कअप टैग्स टेल्स द वेब ब्राउजर। जो मार्कअप टैग्स हैं वो वेब ब्राउजर को बताते हैं। वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं, लाइक गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। हाउ टू डिस्प्ले द पेजेस, जो टैग हैं वो वेब ब्राउज़र जो क्रोम, मोजिला और इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसको बताते हैं, जो ये टैग्स के वेब पेज को किस तरह आपने डिस्प्ले करना है। जो टैग हैं वो इन ब्राउज़र को बताते हैं कि आपने पेज को किस तरह डिस्प्ले करना है। ठीक है, जो ये लैंग्वेज है HTML, सिंपली हम लोग नोट पैड जो कंप्यूटर में मोस्टली अवेलेबल होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद आना है एसेसरी में, एसेसरी के बाद आपको ये देखिए, यह है नोट पैड। इस एडिटर में हम इसको जो कोडिंग है इसकी करते हैं। ठीक है, तो हर एक कंप्यूटर में नोट पैड अवेलेबल होता है, तो जो इसकी कोडिंग है दोस्तों वो नोट पैड एडिटर में होती है। इसके बारे में आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे कि कौन कौन से एडिटर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, HTML के लिए तो सिंपल, हमने जब सीखना है दोस्तों इस लैंग्वेज को तो हमने सिंपल नोट पैड एडिटर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, नोट पैड एडिटर यूज्ड फॉर HTML कोडिंग। HTML कोडिंग के लिए हम लोग नोट पैड एडिटर यूज़ करते हैं। जब हम इसमें कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है, आफ्टर राइट कोडिंग सेव फाइल विद HTML और HTML फाइल एक्सटेंशन। कोई भी फाइल हम जब नोट पैड में किसी भी तरह के टैग्स लगा के सब कुछ कोडिंग हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम फाइल को सेव करते हैं तो उसके लिए हमें फाइल को एक एक्सटेंशन देना होता है। कोई भी फाइल हम सेव करते हैं जो उसके फाइल का एक्सटेंशन है दोस्तों वो है HTML या HTML। ठीक है, ये देखिए, यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है, फर्स्ट डॉट HTML और फर्स्ट डॉट HTML, दो एक्सटेंशन आप इसमें डाल सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, तो मैं जो यूज़ करता हूँ तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ, कोई भी फाइल का नेम ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद डॉट जो एक्सटेंशन है मेरा वो है HTML। ठीक है, इस तरह ये फाइल सेव हो जाती है। ठीक है, तो जो HTML लैंग्वेज है उसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ये है मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। जो HTML लैंग्वेज है वो क्या डिस्क्राइब करती है, वेब पेज के स्ट्रक्चर को। ठीक है, वेब पेज की बनतर को डिस्क्राइब
डिस्क्राइब करती है। HTML consist of series of elements. HTML में जो elements हो वो series wise रखे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। HTML element tells the browser how to display the content. जो HTML language है, coding होती है HTML में, जो elements हैं HTML के, वो web browser को बताते हैं कि आपने पेज को किस तरह डिस्प्ले करना है, ठीक है। HTML element are represented by text. जो HTML elements होते हैं वो represent किए जाते हैं tags के द्वारा। Browser do not display the HTML tag. But जो browser है वो HTML coding के through जो tag दिए जाते हैं उनको display नहीं करता। But use them to the render the content of the page. But जो उसमें content दिया होता है सिर्फ उसी को display करता है, टैग्स को डिस्प्ले नहीं करता। इस तरह दोस्तों आप जो इस लैंग्वेज को सीखने के बाद, ठीक है, ये तो हमारी स्टार्टिंग है, इसको सीखने के बाद आप अपने खुद की एक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये थी आज की HTML की इंट्रोडक्शन। मुझे लगता है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर दोस्तों।